फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने उसको रेडी वगैरह करके भेज दिया है स्कूल। स्कूल भेजने के बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट और यहाँ बैठ गई मैं टाइपिंग करने। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग और मुझे लाना है घर पर कम से कम 45 वर्ड पर मिनट, जिसके लिए मैं यहाँ कर रही हूँ प्रैक्टिस। 45 तो आ भी जाते जब वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, और छोटे मतलब 10 लेटर्स के 1 वर्ड या 7 मिक्स होते हैं ना उसमें। और अगर वर्ड्स जो हो गए 50 to 18 लेटर्स के तो स्पीड हो जाती है डाउन। तो चलिए टाइपिंग करके आपसे मिलती हूँ मैं। गाइस, तो कैसे हैं आप? तो आज मम्मा पढ़ाई कर ली, तो आज नहीं करी तो स्कूल से आते आते मैं पेट दर्द देने लगा, तो आज के लिए इतना ही है बाबा। तो एक मिनट में जरूर लगेगा, मम्मा भलाई करते। उसके बाद वो स्कूल से आ गई थी, तो स्कूल की स्टोरी वगैरह उसने अपने मेरे साथ शेयर की और फिर मैंने उसे खिला पिला कर भेज दिया है सोने के लिए। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, इस समय तक वो बिल्कुल ठीक थी और आगे जाकर अभी मैं बताती हूँ कि उसको क्या हो गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ हिस्ट्री की क्लास। आप लोग सोच रहे होंगे ये टाइपिंग भी करती है, क्लास भी लेती है, कर क्या रही है, बेवकूफ़ बना रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा एग्ज़ाम है जिसमें आने वाली है टाइपिंग, और बाकी जो मेरी प्रिपरेशन है मेन वो तो चल ही रही है। जिसको जो भी मेरे इस चैनल से पहले जुड़े हैं उनको पता होगा, और जो इस चैनल पर नए हैं तो उनको बता दूँ मेरा नाम है पूजा और मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन PPSC की। तो वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह उठ गए हैं और आज मैम और ये दोनों लेट उठे हैं और ये स्कूल भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? बोलो क्यों नहीं गई? क्यों? तो गाइस, इसको हो गया है फीवर रात से, जिसकी वजह से हम लोगों को सोने में भी लेट हो गया था, इसलिए सुबह लेट उठी। तो आज के ब्लॉग में एक साथ मिलेगा दो दिन का ब्लॉग, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी बना रही हूँ परवल और ये मैंने आलू बॉईल कर दिए, अब पूरा किचन का सत्यानाश हुआ। तो ये सब क्लीन करेंगे, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह बना कर पूजा करूँगी, उसके बाद अपनी स्टडी पे लग जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जो बारिश का मौसम, मतलब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और फिर धूप हो जा रहा, जैसा कि अभी देखिए रात में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी धूप निकल गया। अभी सुबह सुबह 7:30 बजे और इतनी ज़्यादा धूप हो गई और रात में इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इसी मौसम चेंज वजह से ही तो फीवर हो गया उसको। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और खाया पिया और बैठ गई अपनी बुक लेकर, जो कि एक गीता, जैसा कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो अभी मैं 7th श्लोक पे हूँ और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था नाश्ता वगैरह बनाने में, क्योंकि आज स्कूल भी नहीं गई थी, उसको फीवर भी था तो उसको टाइम भी देना था। तो ज़्यादा लेट तो नहीं, भी 12:30 बजे थे, तो मैंने सोचा चलो लंच बना कर ही बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं देखिए दाल को फ्राई कर रही हूँ और मैं बेसिकली बनाने वाली हूँ सिंपल सी खिचड़ी। तो उसी के लिए मैंने देखिए वहाँ पे पानी वानी डाल दिया, हल्दी उल्दी, जल्दी जल्दी फटाफट वाली खिचड़ी बना के अपना काम करेंगे ख़त्म। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर, स्टार्ट कर दिया मैंने पढ़ना। कभी कभी हम जैसा प्लान करते हैं या फिर जैसा सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे वे करेंगे, वो नहीं हो पाता, खासकर हम लोगों के साथ। हम लोगों का डे हमेशा अनप्लान रहता है और हमें उसी समय प्लानिंग करनी रहती है। हम सोच के नहीं बैठ सकते कि हमें सुबह ये करना है, रात में ये करना है, और टाइम टेबल बना के बैठ गए तो फॉलो नहीं हो पाता, बेसिकली जनरली ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो, और उसके बाद अभी देख रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे है तो नाइट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट डे तो सैटरडे है ही। और
जो भी आपने उसके बाद क्लिप देखी, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने चली गई थी और फिर मैंने डिनर वगैरह बना के सीधे मैं यहाँ 9 बजे आ गई थी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ टाइम भी शेयर करी थी। तो फिर चलिए देखते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर वो ठीक रही, सोई रही तो लॉन्ग आवर तक चलेगा, और अगर उसने परेशान किया या बुलाया चलो मम्मा सो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो रुकना भी पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। सबसे पहले मैंने रिवीजन किया जो कि है पॉलिटी का, और मेरी 2 क्लासेस छूट गई थी। मुझे लगा कि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, बट मैंने फिर से देखा तो अरे मुझे लगा कि ये देखो मैंने कौन सी बेबी को फिकर कर दी। अगर उससे क्वेश्चन आ जाते तो मुझे लगता कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। बट 2 क्लास लगता है बाद में हुई या फिर मैंने देखा नहीं, तो फिर उसी 2 क्लास को मैं कर रही थी। और मैंने उस पॉलिटी मतलब बहुत दिनों से छुआ तक नहीं था, तो सोचा कि एक बार ऐसे ही पलट के रिवीजन भी कर लेते हैं और फिर 2 क्लास जो बची उसको कर भी लेते हैं। तो ये सब सोच के मैंने क्लास करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने चेंज कर दिया अपना प्लेस, क्योंकि फिर सोने में लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, अगर मैं लाइट ऑन कर रही थी तो उठ भी जाती, तो इसलिए सोचा कि चलो दूसरे रूम में ही चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई, तो यहाँ पे मैंने अपना सेटअप वगैरह किया, मतलब फ़ोन उन रखा, फ़ोन का पता नहीं स्टैंड खो गया है, मिल नहीं रहा, खो क्या गया होगा घर में ही होगा, मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, मिल नहीं रहा, आलस मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। फिर भी चलिए यही ऐसे ही कुछ क्लास करते हैं। फिर मैं आपको टाइमर दिखाती हूँ, ये जो मैंने टाइमर लगाया था ना वो 9 बजे के बाद लगाया था रात को, तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं। वेल डन, कभी कभी अपने आप को भी शाबाशी दे देनी चाहिए। तो फिर और क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कब तक हो पाती है। और वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो ये मेरे कुछ नोट्स जो अभी मैंने प्रिपेयर किए, और ये 3 घंटे की क्लास हो गई। तो मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ, 1:15 बज गए, गुड नाइट। और अब आपको लग रहा होगा कि जब इसने 9 बजे से क्लास स्टार्ट की थी तो सिर्फ 3 घंटे की क्लास क्यों हुई 1 बजे तक। रात के 1 बजे मैंने क्लास को बंद कर दिया, यानी कि पढ़ना बंद कर दिया था, और होने तो चाहिए थे 4 घंटे बट 3 घंटे हुए थे, क्योंकि मैंने ब्रेक भी लिया था बीच बीच में, कभी उठ जा रही थी या फिर कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा ऐसा हो जा रहा था, इसीलिए सिर्फ 3 घंटे हुए। वहाँ पे मैं अपना टाइमर बंद कर दे रही थी तो इतना ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही थी, अगर मैं इतना ज़्यादा सूट करती तो फिर टाइम लग जाता इसीलिए। और हमारे लिए 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है 1-1 मिनट, और हर 1 मिनट का हिसाब भी रखना पड़ता है तभी कुछ हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।